because of my mom's channel. Today my mom's birthday. Yeah, today is my birthday. So guys, first we are going to Gurdwara. After that we go for a lunch. एंड इवनिंग में हाउस पार्टी है. मेरे पेरेंट्स और मेरे सिस्टर वगैरह आ रहे हैं, तो मुझे उनके लिए भी कुछ शॉपिंग करनी है. घर के लिए, मतलब उनके लिए नहीं, घर के लिए शॉपिंग करनी है और घर को भी डेकोरेट करना है. वैसे तो हमने रात को केक कट किया था और काफ़ी डेकोरेशन की थी अंदर वाले रूम में, बट अभी मुझे अपना लिविंग रूम को भी डेकोरेट करना है. उसके लिए भी शॉपिंग करके आनी है. क्या क्या लेके आऊँगी आई डोंट नो, बट मार्केट अभी मैं जा रही हूँ. सो चलिए चलते हैं, लेट्स गो. सो आज मैंने न्यू ड्रेस पहनी है और इवनिंग में मैं न्यू ड्रेस पहनूंगी, बट मॉर्निंग में मैंने ये कार्डिगन और ये जैगिंग पहनी है. और मेरे हस्बैंड ने मुझे गिफ्ट दिया है, मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या गिफ्ट है. सो गाइज, ये गोल्ड है, मेरे हस्बैंड ने मुझे गिफ्ट किया है और इसके अंदर है इयररिंग्स. ये बहुत ही प्रिटी है, मैं आपको दिखाती हूँ. ये बहुत ही प्रिटी है और मुझे पता भी नहीं था कि इन्होंने मुझे सरप्राइज दिया है. मैं इतनी ज्यादा मतलब खुश हूँ, मैं आपको एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती. आई एम सो हैप्पी क्योंकि एक्चुअली एनिवर्सरी पे भी हम लेने गए थे गोल्ड, बट कोविड की वजह से, लॉकडाउन की वजह से हम मतलब खरीद नहीं पाए थे और मैं बहुत ज़्यादा अपसेट हुई थी. बिकॉज साल में मतलब ईयर में वन टाइम तो गोल्ड बनता है, सो तब नहीं था, बट अब मुझे मिला. आई एम सो हैप्पी और इसे मैं पहनूंगी, फिर मैं जाऊँगी गुरुद्वारे. तो पहले मैं इसे पहनती हूँ, फिर मैं हम जाएंगे. सो मैंने यहाँ इयररिंग्स पहन लिए हैं, बहुत ही प्रिटी लग रहे हैं. इवन मेरा पूरा ईयर कवर कर रहे हैं, आप देख सकते होंगे. ये बहुत हूं अपन चल रहे हैं जी गुरुद्वारे. सो गुरुद्वारा हमारे घर के बहुत ही नियर बाय है. और गाइस, जब मैं बहुत ज़्यादा खुश होती हूँ ना, तो मेरे मुँह से ऑटोमेटिकली पंजाबी निकलना शुरू हो जाती है. अब क्या करें, लैंग्वेज बचपन से बोलते हैं तो यू नो निकल ही जाती है. सो डुग्गू ने भी अपने सिर पर घर से ही रुमाल पहन लिया है और हमारा जो गुरुद्वारा है घर के बहुत ही ज़्यादा नियर बाय है. सो ऑलमोस्ट हम पहुँच चुके हैं. सो मैं आपको अंदर जाके दिखाती हूँ गुरुद्वारा. अगर उन्होंने अलाउ किया मुझे वीडियो शूट करने के लिए, तो मैं ज़रूर करूँगी. सो गाइस, गुरुद्वारे मत्था टेक लिया है. अब हम जाएंगे घर, डुगू के लेंगे पापा को और फिर हम जाएंगे लंच करने. सो मैं आपको अब घर पे जाके मिलती हूँ. सो फ्रेंड्स, हम डोमिनोज आ गए हैं और हम यहाँ खाएंगे पिज्जा. और मैं आपको दिखा दूँ कि डुगू भी अपने मेरे साथ शॉपिंग करने गया था और अपने लिए न्यू स्केचर के शूज लेके आया है. और मैं आपको मिलूंगी घर जाकर. मुझे घर भी डेकोरेट करना है क्योंकि इवनिंग होने वाली है और सब लोग आने वाले हैं. अभी तो बहुत सारा काम बाकी है, तो मैं आपको घर पे जाके मिलूंगी. सो फ्रेंड्स, ये सब सारा सामान मैं घर डेकोरेट करने के लिए ले आई हूँ और अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ घर डेकोरेट करना. फ्रेंड्स, मैंने घर सारा ऑलमोस्ट डेकोरेट कर लिया है और मैं इतनी ज़्यादा टायर्ड हो गई हूँ ना कि लग ही नहीं रहा कि मेरा बर्थडे है. बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गई और मैं आपको दिखाती हूँ मैंने घर कैसे डेकोरेट किया है. पीछे से डुगू भी आ गया, डुगू की हालत भी ख़राब है बैलून्स फुला के. हम दोनों ने इतने बैलून्स फुलाए हैं हद से ज़्यादा, मतलब अपने बर्थडे में खुद ही कौन बैलून फुलाते हैं, मुझे आज तक ये बात समझ नहीं आ पा रही कि मैं अपने बर्थडे में खुद ही अपने बैलून्स फुलाए है ना. डुग्गू भी परेशान है, मैं भी परेशान हूँ. और सिम्बा तो बेचारा थक हार के सो ही गया, उसको लग रहा है कि पता नहीं क्या हो रहा है आज. सो वो सो ही गया है और आपको मैं अब घर दिखाती हूँ कि घर मैंने कैसे डेकोरेट किया है.